सोलन शहरी कांग्रेस द्वारा उपायुक्त मदन चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त सोलन को नगर परिषद की पार्किंग व्यवस्था के प्रति अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सोलन की पार्किंग स्थलों की बोलियां लगाती है, जिसकी वजह से शहर की जनता परेशान है, क्योंकि ठेकेदार महंगे दामों पर पार्किंग लेते हैं। वे फिर अपना पैसा पूर्ण करने के लिए सोलन की जनता से मनमानी करते हैं और उनसे मनमाने दाम वसूलते हैं, और जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वे लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। सोलन शहरी कांग्रेस द्वारा उपायुक्त सोलन मदन चौहान को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त सोलन को नगर परिषद की पार्किंग व्यवस्था के प्रति अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सोलन की पार्किंग स्थलों की बोलियां लगाती है, जिसकी वजह से शहर की जनता परेशान है, क्योंकि ठेकेदार महंगे दामों पर पार्किंग लेते हैं। वे फिर भी अपना पैसा पूर्ण करने के लिए सोलन की जनता से मनमानी करते हैं और उनसे मनमाने दाम वसूलते हैं, और जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वे लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अंकुश सुद ने कहा कि उनके द्वारा उपायुक्त सोलन केसी चमन को अवगत करवाया गया कि नगर परिषद अपने पार्किंग स्थलों की कल नीलामी करने जा रही है। इसके लिए वे चाहते हैं कि पार्किंगों को महंगे दामों पर ना बेचा जाए, क्योंकि जब पार्किंग महंगे दामों पर जाती है तो उसके ठेकेदार अपना पैसा पूरा करने के लिए दोगुने दाम वसूलते हैं। सोलन की जनता से शरेआम लूटी जाती है और नगर परिषद ही ठेकेदारों को जनता को लूटने का लाइसेंस ठेके के नाम पर देती आई है। इसके लिए वे चाहते हैं कि पार्किंग की नीलामी पर नगर परिषद पार्किंग शुल्क पहले ही निर्धारित करे और पार्किंग स्थलों पर लेपर पार्किंग शुल्क के बोर्ड लगाए, ताकि सोलन की जनता से अधिक पैसा ठेकेदार ना वसूल सके। उन्होंने कहा कि नगर परिषद लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, इसके लिए उसका मुख्य लक्ष्य सोलन की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है, न कि अधिक से अधिक बोली पर पार्किंग स्थलों की नीलामी कर सोलन की जनता की जेबों को ढीली करना है। जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारी नगर परिषद से संबंधित था, उसको लेकर भी हमने ज्ञापन जो है शहरी कांग्रेस ने डीसी साहब को सौंपा है, वह है जो पार्किंगों की नीलामी कल नगर परिषद में होने जा रही है। हमारा बार बार कहना है कि नगर परिषद जो है एक व्यावसायिक संस्था नहीं है। जो वहां के अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है वो उसे एक व्यापार समझकर चला रहे हैं और उसे एक प्रॉफिटेबल एजेंसी बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि सोलन नगर परिषद सोलन के जो नगर के लोग हैं उनकी भलाई और उनके सेवा के लिए बनी हुई है। आप देखिए कि जो पार्किंग्स हैं, जो 2 या 3 साल पहले 2 और 3 लाख रुपए में जो है नीलाम हो जाया करती थी, आज उसके रेट जो है 16 से 18 लाख 20 लाख 22 लाख रुपए हो गए हैं। तो वो सारा बोझ जो है वो किसके ऊपर पड़ता है? वो सारा बोझ जनता के ऊपर पड़ता है। जो पार्किंग हमें 2 घंटे की 3 घंटे की 10 और 20 रुपए में पड़नी चाहिए, वो आज 30 और 40 रुपए में पड़ती है। ठीक है, और अगर हम पूरा रात वहां पर लगाते हैं तो वहां पर 100 से 150 रुपए तक भी पार्किंग में हमारे से चार्ज किए जाते हैं। हालांकि नगर परिषद बोलती है कि 80 रुपए में 8 घंटे आप गाड़ी लगा सकते हैं, पर इसका जो हमने देखा है कहीं पर भी जो है पालना नहीं की जाती है। हमने कई बार नगर परिषद को कहा है कि इसके बड़े बड़े फिक्स बोर्ड जो है हर पार्किंग के अंदर होने चाहिए, और जो इन नियमों का उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल के पास कहीं पार्किंग है या कहीं ऐसी जगहों पे हैं जहां लोग इमरजेंसी में जाते हैं, उन्हें 40-40 रुपए देने पड़ते हैं। मैं कहता हूं इसमें जो पार्किंग के ठेकेदार हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब उन्होंने 16 लाख रुपए नगर परिषद को देने हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से पूरे करने हैं, और वो नेचुरली बात है कि वो पूरे हम लोगों से ही करेंगे जो लोग वहां पर गाड़ी लगाएंगे। अगर इसमें गलती है तो वो नगर परिषद की है। नगर परिषद को नीलामी की जगह जनता की सेवा का समय समझ के, और अपने अगर आपको लगता है कि आपका किसी पार्किंग में 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा है, तो आप 10 लाख फिक्स करके उस पर लोगों की पर्ची डलवाइए और फिक्स कर दीजिए कि 10 रुपए जो है आपके घंटे के लगेंगे और 2 घंटे के जो है 20 रुपए लगेंगे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए अशोड़े के साथ। नमस्कार।